नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री बैग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर भारत में अलग अलग रंग की नंबर प्लेट गाड़ियों पर क्यों लगी होती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं काले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के बारे में। आमतौर पर काले रंग की प्लेट वाली गाड़ियाँ भी कर्मस्य वाहन ही होती है, लेकिन ये किसी खास व्यक्ति के लिए होती है। ऐसी गाड़ियाँ किसी बड़े होटल में खड़ी मिल जाएगी। ऐसी कारों में काले रंग की नंबर प्लेट और उन पर पीले रंग से नंबर लिखे होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाल रंग की नंबर प्लेट के बारे में। अगर किसी गाड़ी में लाल रंग की नंबर प्लेट हो तो वह गाड़ी भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की होती है। यह लोग बिना लाइसेंस की ऑफिशियल गाड़ियों का उपयोग करते हैं। इस प्लेट में गोल्डन रंग से नंबर लिखे होते हैं और इन गाड़ियों में लाल रंग की नंबर प्लेट पर अचूक चिन्ह बना हुआ होता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं सफ़ेद रंग की प्लेट के बारे में। यह प्लेट आम गाड़ियों में लगी होती है। आप सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का कर्मश्य यूज नहीं कर सकते। इस प्लेट के ऊपर काले रंग से नंबर लिखे होते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा देते हैं कि यह प्राइवेट गाड़ी है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीले रंग की नंबर प्लेट के बारे में। पीले रंग की नंबर प्लेट टैक्सियों में होती है। इसके अलावा पीले रंग की प्लेट आमतौर पर कर्मश्य यूज वाले ट्रकों या टैक्सियों में लगी होती है। इस प्लेट के अंदर भी नंबर काले रंग से लिखे होते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं नीले रंग की नंबर प्लेट के बारे में। नीले रंग की नंबर प्लेट एक ऐसे वाहन को मिलती है जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। नीले रंग की इस प्लेट पर सफ़ेद रंग से नंबर लिखे होते हैं। ऐसी गाड़ियाँ आपको दिल्ली या बड़े शहरों में दिखने के लिए मिल जाएगी। नीली प्लेट बताती है कि यह गाड़ी विदेशी दूतावास की है या फिर US मिशन के लिए है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरे रंग की नंबर प्लेट के बारे में। दोस्तों, सड़क मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट निर्धारित की है। प्लेट का बैकग्राउंड हरा होगा और इस पर वाहन की श्रेणी के हिसाब से पीले अथवा सफ़ेद रंग से नंबर लिखे होते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीर वाली नंबर प्लेट के बारे में। सेना के वाहनों में ऐसे सीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी गाड़ियों की नंबर प्लेट में नंबर के पहले या तीसरे अंक के स्थान पर ऊपर की ओर इशारा करते हुए तीर का निशान होता है। इसे बोर्ड एरो कहा जाता है। तीर के बाद के पहले दो अंक उस साल को दिखाते हैं जिसमें सेना ने इस वाहन को खरीदा था। यह नंबर 11 अंकों का होता है। और दोस्तों, अगर आप भी ये बात जानते थे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।